खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद से है, जहां पर आज दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। एक नवयुवक को कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल से उठा ले गए और अपने घर पर ले जाकर बुरी तरह से मारा और पीटा। आइए आपको हम सुनाते हैं उस परिवार से, उसकी छोटी बहन रो रो के जिस तरह से अपने दर्द को बयां कर रही है। ये परिवार है जो पुलिस उसकी सुनती नहीं है। आज पीड़ित परिवार पहुंचा है एसपी के दरबार में। उनको भी धकेले वकेले के मारने लगे। अविनाश तो क्यों तुम्हारे भाई को पकड़ के ले गए थे? पकड़ के ले गए थे, पहले घर वाले को पूछे, पापा पकड़ रहे, भैया नहीं है, तुरंत खींच के गाड़ी बैठा के मारने लगे, लेकर गए। और कुछ नहीं पूछे हैं? और गाली वाली देने लगे थे। हाँ, तो कहाँ लेकर गए थे? अपने उधर लेकर अपने घर लेकर गए थे। सब मारे थे हमारे भैया को, मेरा अकेला भाई भी है, मेरे पापा भी है, मेरी मम्मी स्पायर हो गई है। अच्छा, मेरे भाई थाने गए थे, हम लोग गाली दे के दे दिए, फिर कह रहे सुनवाई नहीं है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। थाने पे गए थे? दरोगा से मिले थे? दरोगा साहब क्या कहते कह रहे थे? कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, जाओ यहाँ से, तुम लोग झूठ बोलती हो। फिर वहाँ से धक्का देकर अमरनाथ यादव अंकल जी ने धकेल दिया हमको भी। हाँ। कह रहे सुनवाई नहीं होगा, तुम लोग फर्जी हो, झूठी हो, तुम लोग हमारे भाई को कम मार रहे हैं। अच्छा, मार रहे थे तो तुम गई थी वहाँ? हाँ, हम गए थे। चौड़ा गए अंकल, ये मत करिए, तो कह रहे अभी तुमको भी बता के इतना मारेंगे, तुरंत खींच के हमको भी मार दिए। फिर हम भाग गए थे डर के मारे। कहाँ चोट लगा बेटा? पेट में मारा है, मेरा एक ही भाई, अकलौता भाई है मेरा। अच्छा ठीक, अमरनाथ साहब जो है मेरे मामा यहाँ शाम को 5 बजे पहुँचा, तो कुछ लोग आए, बाइक से 3 बाइक था, कुछ लोग आए, मुझसे पूछने लगे तुम्हारे मामा लोग कहाँ पर है। हम कहें हमें नहीं मालूम, मैं अभी आ ही रहा हूँ अपने घर से। तो कहने झूठ बोल रहा हूँ, कहें झूठ झूठ नहीं बोलना है, हमें नहीं मालूम, तुम आपको कहाँ से बताएं। तो ज़बरदस्ती मुझे अपने बाइक पर बैठा कर अपने घर लेकर गए, मुझे दीवार में लड़ा लड़ा बहुत मारे हैं, मेरे हाथ पर भी मारे हैं। कौन थे? यही हाथ है। कौन थे? कौन लोग थे? नाम क्या था उनका? यार बाद मौका दिखा। अविनाश, अमर और भोला, प्रमोद, सोमनाथ, सन्नी आदि, यही सब लोग। कहाँ के रहने वाले?